अभी आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज पे आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे होंगे। एक होगा पब्लिक का, दूसरा होगा अनलिस्टेड का, उसके बाद होगा प्राइवेट का। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन होता है स्केड्यूल का। तो ये जो ऑप्शंस है ये आपको तब दिखते हैं जब आप यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करते हो, और अगर आप क्रोम ब्राउजर से वीडियो अपलोड करते हो या फिर यूट्यूब के एप्लीकेशन से, हर जगह ये ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो इनका क्या यूज है, बेसिक जो चीज़ें हैं इसके बारे में ये आपको पता होनी चाहिए ताकि इनका आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सको। तो वन बाय वन करके सबके बारे में जानेंगे। जो पहला ऑप्शन आपके पास है वो है पब्लिक का। पब्लिक इट मीन्स कि जैसे कि अभी आपने वीडियो अपलोड करी, अपलोड करने के बाद पब्लिक पे क्लिक करके जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे आपकी वीडियो अभी के अभी ही पब्लिक हो जाएगी, यानी कि आपके सब्सक्राइबर्स को दिखाई देने लगेगी। ये हो गया पब्लिक ऑप्शन का यूज, यानी कि आपने कोई भी यूट्यूब पे अपलोड करी है वीडियो और उसको उसी टाइम जब आप अपलोड कर रहे हो उसी टाइम पोस्ट करना है तो डायरेक्ट हम पब्लिक पे क्लिक करके पोस्ट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हो गया अनलिस्टेड का। तो देखिए अनलिस्टेड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसका यूज किस तरीके से किया जाना चाहिए आपको पता होना चाहिए। आपने कोई भी YouTube वीडियो बनाई, किसी भी टॉपिक पे आपने बनाई है, अब बहुत बार होता है कि हम अपनी वीडियोज़ में इधर उधर से वीडियो फुटेज लेते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक्स लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी वीडियोज़ में इंक्लूड रहती हैं। तो मान लीजिए आपने वीडियो अपलोड कर दी, अब अपलोड करके अगर आप अनलिस्टेड करके सेव कर देते हो तो होता क्या है कि अगर उस वीडियो पे कोई कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक आना होगा तो वो 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर, एक घंटे के अंदर आपके पास आ जाएगी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ आपने यूज करा होगा तो। और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप फिर उसके बाद पब्लिश कर सकते हो। कहने का मतलब ये है जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वीडियो बना ली, यूट्यूब पे अपलोड किया, फटाफट पब्लिश भी कर दिया, अब वो वीडियो चल रही है, 200 400 500 हज़ार व्यूज़ भी आ गए, कमेंट्स वगैरह सब कुछ आ गए, अच्छे आ गए, सब कुछ चल रहा है वीडियो, अब अचानक से आपको पता चला कि इस वीडियो पे स्ट्राइक आ गई। अब स्ट्राइक आ गई तो आपको लगेगा कि अब इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए या फिर हो सकता है कि यूट्यूब भी रिमूव कर दे। तो जो वो 1000 व्यूज़ आए थे और उस व्यूज़ से जो भी वॉच टाइम आए थे वो भी अब यहाँ से कट जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप ये पहले ही जान लो कि आपके वीडियोज पे कोई, आपने जो वीडियो पोस्ट करी है उसमें कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक ऐसा कुछ तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इट्स ओके, आप वहाँ से पब्लिश कर दो, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। इसके साथ साथ बहुत बार हमारे साथ ये होता है कि हमें कहीं पे जाना होता है या फिर हमारे पास टाइम कम रहता है तो हम क्या करते हैं, एक बार में ही 2-4-5 वीडियो क्रिएट करके बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, अनलिस्टेड करके छोड़ देते हैं ताकि हमारा जब भी मन हो हम कहीं पे भी हो तो अपने एक एक वीडियो पोस्ट करते जाएं। तो इसके लिए भी अनलिस्टेड ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह का स्पॉन्सरशिप मिलता है तो होता क्या है कि लोग क्या करते हैं अपनी उस स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो को अपलोड करते हैं और अनलिस्टेड लिंक को सिर्फ शेयर करते हैं जिसके पास भी भेजना है। तो उससे क्या होता है कि उस लिंक के थ्रू आपने जिसको भी वो लिंक भेजी है सिर्फ वही पर्सन उस वीडियो को देख पाएगा और कोई भी नहीं देख पाएगा। तो इस तरीके से अनलिस्टेड ऑप्शन वर्क करता है, जो कि आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अभी तक आपने इसका यूज किया है कि नहीं या फिर आपको मालूम है, जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट का। तो प्राइवेट का मतलब सीधा सीधा हो गया कि अगर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हो और अपलोड करके उसको प्राइवेट कर देते हो तो वो वीडियो कोई देख ही नहीं सकता, कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है, आप मतलब तो देख ही पाओगे लेकिन इसके अलावा और कोई भी पर्सन नहीं देख सकता। और अगर प्राइवेट वीडियो की लिंक आप शेयर भी करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ईमेल आईडी का, यानी कि किसी का ईमेल डाल करके उसके थ्रू उस लिंक को आप शेयर कर सकते हो और उस लिंक से उस वीडियो को वही पर्सन देख पाएगा जिसको आपने सेंड किया है, मतलब ईमेल के थ्रू जिसको आपने लिंक सेंड किया है वही पर्सन उस प्राइवेट वीडियो को देख पाएगा। अब यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहूँगा। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपने 2-4-5-10 वीडियोज अपलोड कर दी, सारी वीडियोज अनलिस्टेड करके अपलोड करी है आपने, आपके YouTube चैनल पे है अपलोड है, और बहुत सारे लोग जैसे करते क्या है कि अपने चैनल पे जो भी वीडियोज बनाते हैं तो अलग अलग वीडियोज के लिए प्लेलिस्ट बना देते हैं। जैसे कि मेरे भी चैनल पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लेलिस्ट हैं। तो मान लीजिए मैंने वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड 5-6 वीडियोज बनाई, मैंने अपने वीडियो एडिटिंग प्लेलिस्ट में उन वीडियोज को ऐड करके अनलिस्टेड करके सेव करके छोड़ दिया चैनल। तो अगर मेरे चैनल पे कोई भी पर्सन विजिट करता है, जैसे कोई भी ऑडियंस जाती है मेरे प्लेलिस्ट में अगर जाती है और वहाँ पे मैंने कोई अनलिस्टेड वीडियो सेव करके रखी है तो वो चाहे तो वहाँ से क्लिक करके उसको देख सकता है, ठीक है, लेकिन वहीं अगर वही वीडियो प्राइवेट रहेगी कोई भी नहीं देख सकता, सिंपल बात आप समझ लो। तो ये था प्राइवेट ऑप्शन का यूज। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास स्टॉक्स वीडियोज हैं, 5-6 वीडियोज हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं, आप सोचते हो कि इन फ्यूचर 10 दिनों के अंदर आपको कहीं पे घूमने जाना है, कुछ भी करना है, तो आप जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हो सब अपलोड कर दो अपने चैनल पर, टाइटल वगैरह थंबनेल वगैरह लगा करके, और उसको प्राइवेट करके रखो, जब भी मन मर्जी करे जिस भी दिन आपका मन हो
आप पब्लिश कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं YT स्टूडियो के थ्रू भी, यानी कि फोन में आपका जो YT स्टूडियो है वहां से भी अपनी वीडियोस को पब्लिश कर सकते हो, और मैं भी यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है स्केड्यूल का। स्केड्यूल का मतलब ये होता है, सिंपल सी भाषा में आप समझ लो, अब मान लीजिए आपने अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड कर दी, दो चार वीडियो अपलोड कर दी, आपके पास टाइम नहीं है आपको, लेकिन ये चाहिए कि ये मेरी जो वीडियो है हर दो दिन के बाद पोस्ट हो जाए, या फिर इस डेट को इस टाइम पे पोस्ट हो जाए, तो स्केड्यूल ऑप्शन के थ्रू ये चीज़ें हम कर सकते हैं। करना क्या होता है, जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो वहाँ पे स्केड्यूल का ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है किस डेट को किस टाइम पे ये वीडियो पोस्ट होनी चाहिए, वहाँ पे वो डेट और टाइम सेट कर लोगे। सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, यूट्यूब देता है, लेकिन ये चीज़ें आपको क्रोम ब्राउजर के थ्रू करना होगा। डेस्कटॉप मोड में जाकर, क्रोम ब्राउजर में जाकर के यूट्यूब ओपन करना, उसके डेस्कटॉप मोड में जाना, वहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। होता क्या है, आपने डेट डिसाइड कर लिया, टाइम डिसाइड कर लिया, और वीडियो को सेव कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 5 मई का डेट डिसाइड किया है, और उस डेट पे आप चाहते हो कि 12 बजे मेरी वीडियो पोस्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिक उस डेट पे उस टाइम पे वो वीडियो पोस्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप स्केड्यूल ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो, जो कि किसी भी क्रिएटर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो ये जो चारों ऑप्शंस थे जिनके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल आपके अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से बेनिफिशियल हो आप कर सकते हो। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।